अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों ये लेक्सस LS 430 गाड़ी है, 2002 मॉडल का गाड़ी है। इसको ABS का लाइट अलग जला हुआ है। ये ABS का लाइट जो है, ये ABS का लाइट जला हुआ है। ABS का लाइट है और बीएससी का बाजू में ये अलग से जला हुआ है। ये रिसेट करेगा फिर चल जाता है, फिर एक दिन गाड़ी चलाएगा, 3-4 घंटे गाड़ी चलाएगा, फिर आ जाता है। इसको हम अभी डायग्नोसिस किया है, कंपनी में इसको डायग्नोसिस किया है। डायग्नोसिस में ये बता रहा है, डायग्नोसिस में ये बता रहा है क्या, ये C0 और 2004 स्पीड सेंसर राइट हाथ सर्किट और C2123 ABS कंट्रोल सिस्टम ऑल फंक्शन C1360 जीरो पॉइंट कैलिब्रेशन डिक्लेरेशन सेंसर और C150 PVS सॉल्यूशन फ्यूजन। इसको जो मसला हुआ है, हमने इसको चेक किया, इसको जो राइट जो मसला हुआ है, ये जो फॉरन स्पीड सेंसर बता रहा है, फॉरन स्पीड सेंसर राइट साइड, ये राइट साइड टायर के साथ होते हैं, इसको कोई मसला हुआ है इसलिए ये सब बता रहे हैं। और जो जीरो पॉइंट है, ये जीरो पॉइंट ये कभी भी कंप्यूटर में घुसेगा, ये जीरो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, फिर इसको जीरो पॉइंट करना पड़ेगा। ये हमारा दूसरा और वीडियो है, इसमें कैसा ये जीरो पॉइंट करता है LS 430 का, ABS लाइट रिसेट करेगा, इसको कंप्यूटर डायग्नोस करेगा, तो ये आज जीरो पॉइंट का सेलिब्रेशन कैंसिल हो जाता है और फिर करना पड़ता है। हम इसको ये वीडियो में दिखाया था। इसमें अभी जो फॉरन स्पीड राइट सेंसर है, ये फॉरन स्पीड राइट सेंसर का लोकेशन और इसको किस तरीके से हरा बताइए हम देखेंगे अभी। ये रहा इसको फॉरन स्पीड सेंसर है। ये जो हमने टायर खोला है, ये जो टायर खोला है, होल खोला है, ये होल का पीछे ये स्पीड का सेंसर है, ये स्पीड का सेंसर है। इसके साथ ये दूसरा भी दो सेंसर एक सामने है, ये दो सेंसर एक सामने है, इधर भी एक सेंसर है। ये इसको वायर टूटा हुआ है, ये जो वायर है, ये वायर है, इसके दो वायर है, एक सेंसर वो स्पीड सेंसर में गया, दूसरा सेंसर ये, और इसके जो ब्रेक इफेक्ट है, ये ब्रेक इफेक्ट कसका आता है, ये भी खराब है, इसको ये भी खराब है, ये सेंसर इसको भी, ये भी खराब है, और दूसरा सेंसर जो है ये सही है, लेकिन इसको जो मसला हुआ है, ये इधर इसको जो टायर ने टास्क किया, ये इसको टायर ने इधर टास्क किया, ये टायर ने टास्क किया, इसके फूरों वाली जल के ख़त्म हो गया, ये फूरों वाले टायर ने काट दिया यार, इसको कनेक्टिविटी नहीं मिला, कनेक्टिविटी नहीं मिलने का बाजू से ये उधर सेंसर का सिग्नल आ रहा है। ये जो वायर है ये इधर जाके इसको अंदर, ये जो कवर है बैक डाला कवर जब खुलेगा, ये कवर का पीछे इधर, ये कवर का पीछे इसको इधर ग्रिप है, इधर कनेक्टिविटी है, इधर इसको कनेक्टर है, ये कनेक्टर सर खुल के ये पूरा सिस्टम चेक करेगा, इसका कारण इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कनेक्टिविटी का है नहीं है, और सेंसर भी इसको जो ये सेंसर है वो भी चेक करेगा। ये सेंसर से ये हमारा हेलमेट समय ये वायर का मसाला हुआ है, ये वायर अगर ख़राब है, ये दूसरा वायर ये खराब में पूरा मिलता है, ये रिकंडीशन गाड़ी का पूरा वायर मिलता है, दूसरा वायर इसको लगा देगा इंशाल्लाह, ये काम हो जाएगा। ये जब राइट साइड और लेफ्ट साइड ये स्पीड सेंसर कूल सेंसर बताएगा, तो ये लेफ्ट साइड भी सेम सेम है और राइट साइड भी सेम सेम है, और रेयर बताएगा तो रेयर लेफ्ट लाइट वाला का तो पीछे वाला होता है। इस तरीके से ये जब ABS का ये एक सेंसर ख़राब है, इसको ये लाट आ जाएगा, और भी फंक्शन इसके साथ साथ बताएगा, लेकिन ज़्यादातर ये जब बड़ा वाला प्रॉब्लम जब सामने वाला आ गया वो सही करेगा, इसके बाद ये कैलिब्रेशन करेगा और रिसेट करेगा, देखेगा इंशाल्लाह सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये हमारा जो ये चैनल है, ये आपको और भी हमारा वीडियो है, नया वीडियो मिलने के लिए ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, और बाजू वाला बेल बटन जो है वो दबा दो, इंशाल्लाह और भी नया वीडियो मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।